हनीमून सीट में एक ही बेड कहाँ होता है? हम नहीं चाहते कि रात को आप हमें जैसे परेशान होए। माँ मैं क्या कह रहा था कि थोड़ा फ्रेश फ्रेश होके चलते हैं ना। अच्छा भाई ठीक है, तुम है ना पांच मिनट में जो है वो फ्रेश होकर आ जाओ है। यहाँ तो हर उम्र का लोग जल क्रीड़ा कर रहे हैं, बुड्ढा बच्चा जवान सब आगे हैं। खूब मजा आ रहा होगा ना इन सबको। डर गए ना? हाँ पानी है आग थोड़ी जो हम डर जाएंगे। चलिए फेंक दूंगा मैं पानी में। नहीं। माँ ने मार्केट जाने को कहा था, कहाँ रह गई माँ? एक काम करते हैं, हम यहीं बैठ के उनका इंतजार करते हैं। अरे यहाँ क्या बैठना है, चलो स्विमिंग करते हैं। तो स्विमिंग करने का बहुत शौक है। मिस्टर जी को कहा है कि हम जो है ये स्विमिंग विमिंग कभी किए नहीं, वो आता नहीं। क्या बात कर रही हो, फिर तो तुम्हें पानी से बहुत डर लगता होगा है ना? ये क्या बात हुई मिस्टर जी? हाँ अब कभी अमेरिका नहीं गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति ट्रम्प है उससे डरेंगे। हम नहीं डरते हैं पानी से। अरे वाह क्या इंटरनेशनल एग्जाम्पल दिया है। चलो इसी बात में तुम्हें स्विमिंग करना सिखाऊंगा, चलो कम, सच्ची? हाँ सच्ची, चलो आओ। लेकिन अरे लेकिन एक सेकंड रुको, उसके लिए तो हमें स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदना पड़ेगा। स्विमिंग विमिंग नहीं है। हाँ सच्ची वो देखो, वैसे कॉस्ट्यूम खरीदना पड़ेगा। इतना छोटा छोटा कपड़ा भी पूरा पब्लिक के सामने, सच्ची का आप भी ना दिमाग फिर गया का आपका, बेशर्मी का भी हद होता है। अरे इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है, अगर तुम्हें स्विमिंग करनी है स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो पहनना पड़ेगा ना। मिस्टर जी एक टुकड़ा लपेटने से तो अच्छा है कि हम आपसे जो है स्विमिंग ही ना सीखे, हम नहीं पहनेंगे छोटा छोटा कपड़ा। रागिनी तुम भी ना कभी कभी एकदम जिद्दी हो जाती है। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज टेल मी। आप मुझे बता सकते हैं कि चेंजिंग रूम कहाँ पे होगा? चेंजिंग रूम यू हैव टू गो स्ट्रेट टेक लेफ्ट, इट्स गोना बी ऑन योर लेफ्ट साइड। थैंक यू। यू आर वेलकम। आपको कैसे पता है कि स्ट्रेट फिर लेफ्ट और फिर चेंजिंग रूम आ जाएगा? स्ट्रेट फिर लेफ्ट, आई मीन लेफ्ट फिर लेफ्ट। अरे यार वहीं पे तो मेन चेंजिंग रूम है और साथ में लेडीज का है तो आमने सामने है, मैं अपने वॉशरूम गया था तो मैंने देखा था। मिस्टर जी ये लड़कियां छोटा छोटा कपड़ा पहनती है, आपको मतलब अजीब नहीं लगता? अब इसके दिमाग में कोई खिराफी सवाल तो नहीं आ रहे? अब इसमें अजीब होने की कौन सी बात है? हाँ अगर स्विमिंग करनी है तो उसके लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना जरूरी है, ऐसा नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रागिनी क्यों इतना सोच रही? वहाँ गांव में रहने पर तो पता ही नहीं चलता था कि मिस्टर जी की दुनिया हमारी दुनिया से कितनी अलग है। मिस्टर जी नए सोच के आदमी है, इन्हें तो कुछ भी अजीब नहीं लगता। और एक हम है कि क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर क्या सोचे, चलो ना वहाँ वेट करी होगी। भिंदर मार्केट चलते हैं, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। हाँ चल जल्दी। हाँ हाँ सृष्टि जी। हाँ वो गली देखिए। अरे नहीं चलो चलो चलते हैं। माँ वो देखिए, माँ वो देखिए वहाँ पे कुछ है, वो देखिए वो देखिए। इधर ही निकले थे लास्ट टाइम। वो देखिए वो देखिए ना, वो देखिए उधर, वो देखिए वो देखिए ना। हाँ वो देखिए, हाँ वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए उधर।
पहन के देखे मिस्टर जी? बहुत अच्छी है। मिस्टर जी आप ये क्या कर रहे हैं? हम ये जैकेट ट्राई करेंगे, इसे पहनने दो। अरे आप मिस्टर जी छोड़िए, नहीं हमें नहीं चाहिए ये। सृष्टि जी ये देखिए ना कितना अच्छा है, और ये वाला भी। अरे वाह कितना रंग बिरंगा पड़ा है सब कुछ, और ये वाला देखिए बैग्स। सृष्टि जी सृष्टि जी कहाँ? हम यहाँ राजस्थान में आए हैं, अब बुक ही पड़ी जा रही है। ओहो विशु जी हम वही तो कर रहे हैं, देखिए ना इसमें कितना सब कुछ लिखा है। यहाँ एक लेंजी टेंपल है, महाराणा प्रताप म्यूजियम है, झील है, किला है, कितना सब कुछ है यहाँ पर। और आपको पता है अभी हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ बहुत स्वादिष्ट कचौरी मिलने वाली है और चाट मिलने वाली है। अच्छा सृष्टि जी वैसे आपको पता है यहाँ का हर खान पान ही स्वादिष्ट है। चलिए तो चलते हैं। लेना है अब जी नहीं, बाद मिलेंगे आके, वहाँ मंदिर में है ना, वहाँ होकर आते हैं। मंदिर से आके लेते हैं। हमें ना बांधनी दुपट्टा चाहिए, बहुत फेमस है ना राजस्थान में। हाँ विशु जी देखिए कैसा है, सुंदर है ना ये कुर्ता? ठीक है लेकिन हम आपको इससे भी बढ़िया वाला दिखाएंगे। अच्छा और वो क्या है? एक मिनट रुकिए, ये ले लीजिए। बहुत प्यारी लग रही है आप इसमें। आप बिल्कुल राजस्थानी दुल्हन लग रही हो। राजस्थानी दुल्हन? विशु जी हम राजस्थानी दुल्हन हो या ना हो लेकिन आपकी दुल्हन जरूर है। और सृष्टि जी आप इस दुनिया की सबसे प्यारी दुल्हन है। ये रहा दुपट्टा। ये लीजिए भैया, पैक कर दीजिए। थैंक यू। इसके बाद फिर कहाँ जाना है? ये लोग कहाँ चले गए सारे? आप हुआ देखो ये लोग कहाँ गए हैं। हम तक आते हैं कि चलो हम लोग बाजार में आ रहे शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग तो हमको भी करना है लेकिन क्या करे, दिव्या ने जो लिस्ट दिया है वो भी ना लाना है। छोड़ो दिव्या को है, तुम हमारा गहना किन देना है। तुम हमको काबो की थी, चूड़ी किन लोगी हमको ना कही थी। तुम्हारा उतरो आराम से, कहा है कि तुम्हारा बुढ़ापा का हड्डी है। हम अभी इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ है, आई तो है। तुमसे भी तेज भाग सकते हैं। अब भगवान तुमको लंबा उम्र दे हम तक कहते हैं। अच्छा लो पूरा इसी तरफ ना जाना है। विशु जी आप हमें पूरे बाजार में शॉपिंग करवाएंगे ना? इसलिए तो आए हैं यहाँ पर, काहे नहीं करवाएंगे। ठीक है तो फिर हम आज शाम तक शॉपिंग करेंगे, आपको पहले से लिस्ट बता देते हैं, बाद में कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है तो सुनिए हमें चाहिए मोजरी और राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट चाहिए। ठीक है और जयपुरी रजाई। ठीक है कंबल। ठीक है ऊंट। ठीक है भाले। ठीक है तलवार। ठीक है बड़ा सा महल। ठीक है विशु जी आप हमें सारी चीजें दिलवाएंगे क्या? सृष्टि जी ये सारा सामान तो कम या ज्यादा पैसों में भी खरीदा जा सकता है लेकिन हम आपको वो सब भी देना चाहते हैं जो कि बहुत अनमोल, जो कि पैसों से नहीं खरीदा जा सकता।
नमस्ते सर, मैं सूरज दुबे, इंश्योरेंस एजेंट। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन हमको कोई बीमा उमा नहीं चाहिए भाई। भैया जी मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हैं? आप तो बैठे गए, आराम से बैठिए, नहीं गिर जाइएगा नीचे। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या कहना है? भैया जी इसीलिए तो लाइफ को रिस्की समझते हैं, अब इसी रिस्क फैक्टर को हम कम करते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देकर। बच्चे घर पे नहीं होते ना तो घर एकदम सूना सूना लगता है। सच में हम तो अकेले ही हो गए ऐसा लग रहा है। चलिए। अच्छा तो बच्चे बाहर हैं हा? भैया ये एजेंट है, पॉलिसी वाली जी कहा बेच रहे हैं। चलिए ना भैया, तुमको हराएंगे दिव्या हमारा। अरे कहीं वो ब्रह्मपुत्र मेल से तो नहीं गए? अरे तिनसुकिया में अभी एक्सीडेंट हो गया उसका। अब भैया जी सारे लोग मर गए, अब केरला या मुंबई चले जाओ तो वहां पे समुंदर में डूबने का रिस्क रहता है, और अगर शिमला चले जाओ, कश्मीर चले जाओ तो लैंडस्लाइड का डर रहता है। सुनिए, हमारे भैया भाभी को कोई खतरा नहीं है, वो उदयपुर गए, ना वहाँ बर्फीले पहाड़ है और ना वहाँ कोई समुद्र है, समझे आप? इतना खाओ तो ये पेट नहीं भरा। भाई बहुत स्वादिष्ट है, हम नहीं रुक पाएंगे। तनी जल्दी ना खाओ। एफुआ खा ना रहे हैं, अब कम से कम चैन से खाने दो। आँख में से पानी ना गिर रहा है और तुम मिर्चा मंगाई हुई कहाँ है दुलरिया? अब पकौड़ा है, कितना स्वादिष्ट है बा। हम एक को नहीं छोड़ेंगे आज तुम देखो। फुआ हम तो खा चुकी हो फिर भी पेट नहीं भरा, हवाने सवार है का? अरे मंगवा लो, हम तो कहते हैं। मिस्टर जी देखिए ना कितना भूख लग रहा है हमें, चाट वाट खाए का हम। हाँ और दुलारी दीदी सासू मैया कहाँ गई, दिखाइए। एक सेकंड, तुम हनीमून मेरे साथ मनाने आई हो तो दुलारी दीदी और सासू मैया को कहाँ ढूंढ रही हो? मैडम ऐसे हनीमून नहीं होता, अपने मिस्टर जी के साथ रहो ना। तो महाराज जी आप ही बता दीजिए कि हनीमून कैसे बनता है। का है ना हमारा तो पहली बार है इसलिए। अब महारानी जी उसके लिए आपको शयन कक्ष में चलना होगा। कौन सा कक्षा मिस्टर जी? अब कक्षा नहीं कक्ष, सोने का कमरा। मिस्टर जी आप ही हमारे सोने चांदी हैं, हम काहे सोने के कमरे में जाएंगे? अरे सोने का तुम छोड़ो यार। आप मिस्टर जी उठा, यहाँ पे कुछ है जो उड़ गया। क्या क्या था यहाँ पे जो उड़ गया? गुस्सा था जो उड़ गया। वो जो गुस्सा था ना वो एक्चुअली यहाँ था। कहाँ मिस्टर जी आप भी? नहीं एक्चुअली गुस्सा यहीं पे था। नहीं एक्चुअली जो गुस्सा था ना वो आप सब देख रहे हैं। आप देख रहे तो अरे जल्दी खाओ। अरे क्या हो गया आपका? अरे जल्दी खाओ। अरे भाई खाने दो ना। भैया जी आके ना आपका पैसा ले लो है, कितना हुआ है? आई लो आई लो। हम तो कहते हैं कि दो को प्लेट आ रहा मंगवा। अरे बाद में खा लेना, चल। अरे पुआ रुको, जल्दी चलो। अरे भाई ले लेते हैं। आप बीच मार्केट में ना खड़ी हो? हाँ ये भगवान आई की रात ही हो तुम्हारे। हमको दो सर दिलाओ, चलो चलो यहाँ से। अच्छा अब चलिए। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सो मच, सो नाइस। देखो देखो ना कितना सुंदर लग रहा है, बताओ यकीन दो हमको। नहीं देखो यहाँ सब मस्ती कर रहे हैं और हम हनीमून पर मिस्टर जी के करीब ही नहीं जा पा रहे। ओह मिस्टर लीजी, ये लीजिए आपके लिए गरम गरम मस्त कुल्हड़ वाली चाय। हाय टोपी यकीन दो। हाय टोपी कौन तुम्हारा पहनने वाला चीज है, ये मर्दों वाला चीज है। कितना सुंदर तो लग रहा है, बताओ। अब देखो
अनुराग बाबू का बड़की भौजू का चाय पी रहा है, हमको चाय पिया दो है। हम इनको जितना भी दूर करना चाहते हैं उतना ही नजदीक आते हैं। चाहे जो भी कर लो, हम ना तुम्हारा सुहाग राज जो है ना वो कभी होने नहीं देंगे। चलो मिस्टर जी, कहा हो गया, जल गया? बहुत गर्म थी मिस्टर जी, गर्म है ना चाय। अरे यार बहुत जलन हो रही है। अभी तो चाय पी रहे थे, कहाँ गए दोनों? गरम गरम चाय पिला करना मेरा पूरा मुंह जला दिया है। अब इस मुंह को ठंडा करने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो उपाय बहुत ही देसी सा उपाय है, बहुत देसी सा। बताओ क्या उपाय है? देखो कुछ नहीं करना। हाँ मिस्टर जी, अब हम सब समझते हैं आपका ये देसी उपाय, लेकिन हमारे पास ना इससे अच्छा उपाय है। इससे अच्छा उपाय? इससे बहुत अच्छा। चलिए इससे अच्छा उपाय कैसे हो सकता है, ये तो बेस्ट उपाय था। अब जलन ठीक हुआ आपका मिस्टर जी? अच्छा अब तुम रुको, अब तुम्हारी जलन मैं दूर करता हूँ, ये लो। भैया भैया हम भी आ गए। आ जाओ विशु, आ जाओ। अरे विशु संभाल के, संभाल के गिरना मत। अरे माँ और दुलारी दीदी कहाँ है? अरे माँ और दुलारी कहाँ है? माँ और दुलारी दीदी को तो हम चकमा देके आ गए। जी बचिए। सृष्टि जी तुम रुको, तुम्हारी ऐसी की तैसी, रुको ये लो। ये लीजिए। ए बुआ, हम सुने थे कि राजस्थान में खाली रेत रेत है, बाकी कितना पानी है देखो। अरे काई पानी का स्नान बंद करो ना, जुखाम ना हो जाएगा। अरे माँ तभी तो इसे सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। अरे रुको, हम भी तुमको। अरे माँ आप एकदम सही कह रही है, अरे देखो ना जुकाम हो जाएगा, समझ नहीं आती तुमको। अच्छा अभी आपके जुकाम का ना इलाज बताते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? कब से ना कहा है पानी से बाहर निकलो। माँ ने कहा ना, कब से कह रही है पानी से बाहर निकलो। माँ कहा है विशु, चपेट ना लगा देंगे। विशु बस करो, चुप रहो, हम कह रहे हैं बाहर निकलो। चलो चलिए विशु, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। लाइए सृष्टि जी, हम पहुंच देते हैं, हम आपकी मदद कर देते हैं। सृष्टि जी हमको एक बात बताइए, हम एक दूसरे को सुखा रहे हैं या गीला कर रहे हैं? अरे हाँ अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, चलो ना जल्दी हम चल। कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये दोनों को किसी का नजर ना लगे, और यागिनी अनुराग के हनीमून पर तो हम ही ना नजर लगाएंगे।